वेलकम तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूको च्यानलमा अनमोल सिम्पल ब्लग्स। है आज चाहिँ हामी यसो हल्का टाइम पास है अलिकति बोरिङ जस्तो भयो त्यही भएर चाहिँ म भाइहरू है चाहिँ तल यता खरसाङ अलिता होटेलमा चाहिँ यसो घुम्न है जाँदैछौँ है। त एकछिनमा भेट्नेछु तपाईँहरूलाई है। त तपाईँहरू पनि यसो सुन्दर नजारा हेर्नुहोस् है, कतिजना त आएको छैन होला। सो See you later. आइपुगिसकेको छौँ है। यहाँदेखिको चाहिँ अलिटा सुरु हुन्छ हो, गेट देख्नुहुँदैछ होला है। यो चाहिँ एक्चुअली तपाईँको अप्पर नयाँ बस्ती खरसाङबाट चाहिँ उकालो गएर चाहिँ है राइट लिनुपर्छ। तपाईँहरूले अघि भिडियोमा कति हेर्नुभयो होला सायद है। अब केही क्षणमा चाहिँ हामी पुग्नेछौँ हो। यो यहाँ तल देख्नुहुँदैछ, यो चाहिँ अलिटा होटेल। सो केही क्षणमा तपाईँहरूलाई म सेयर गराउने छु इफ मौका मिले है। दिस इज अलिटा होटेल। गार्डन मजाको देख्दैछ है, कति दामी है। बादल चाहिँ तपाईँको यता चाहिँ मजाले ढकमक्क लागिरहेको छ बादल चाहिँ। यहाँ से किधर से इधर से इधर से लिखा तो है अलीटा कौशम। सो अलीटा चाहिँ आइपुगिसकेको छु है। भित्र पस्ने हो है, कति वर्ष अगाडि आएको, आज फेरि आउँदैछु हो। ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर हामीलाई अलीटा गया था लेकिन वहाँ पे बुक्ड है बोला। तो ठीक है बोला, बुक है बोला, इसीलिए तो कोई ना हम लोग जा रहे हैं अभी खरसाङ डायरीज। खरसाङ डायरीज में जाके थोड़ा चाय का चुस्की लेंगे, उसके बाद फिर घर वापस हो जाएंगे। सिर्फ चाय पियेंगे? हाँ सिर्फ चाय पियेंगे, हम लोग के पास उतना ही है ना अभी बजट भी। तो इन्जोय द भिडियो, हाम्रो त अभि चाय पिने जा रहा है खरसाङ डायरीज। अभि बहुत उधर अन्दर ढुका नै हाम्रो का भाइ लोग, तो बहुत सारा भाइ लोग वहाँ किया है लेकिन हम लोग कभी नहीं उधर ढुका है। तो आज जाके हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे? चाय पियेंगे, ढुकेंगे, रुकेंगे, ढुकेंगे, ढुकेंगे। ठीक है, अरे बिना हेलमेट के क्या हो रहा है? पकड़ लेते भाई, अच्छा पकड़ लेते। ये ग्लेन हिल स्कूल खरसाङ का सबसे अच्छा स्कूल है ये भी। तो नीचे जाना है, यही तो है, 15 मिनट। ठीक है यहाँ पे रख देते हैं उतर था। यहाँ पे छोड़ी कर ले अभी तो। ओके हामी चाहिँ यसो खरसाङ डायरीज जाँदैछौँ है, कस्तो रहेछ है, सबैजना जान्छ है खरसाङ डायरीज, मिठो मिठो पाउँछ भन्छ। र आज चाहिँ म र भाइ चाहिँ जाँदैछौँ है, अरू कसलाई पनि लगेको छैन हो, किनभने बजेट डिपेन्ड्स, बजेट डिपेन्ड्स। ल एकछिनमा भेट्नेछु त्यही।
ठन्डा मौसम र हाम्रो भ्युज ले गर्दा दार्जिलिङमा चाहिँ टुरिस्टहरूको पुरा आगमन छ है। सो लेट्स गो उस्तै बोलेको यताबाट जानुपर्छ खरसिङदारी चाहिँ हो ठुलो प्रोजेक्ट छ। क्या करता है बदमाशी करता है लग जाएगा उसमें। तो वी आर नियर टू द खरसिङ डायरीज सो लेट्स गो इनसाइड। भीड़ है बहुत भीड़ है बुकिंग करना पड़ेगा बोल रहे हैं और खरसिङ डायरीज में भी बुक्ड है बोला ठीक है। सो ठीक है निकल रहे हम लोग यहाँ से बहुत भीड़ है बहुत सीजन लगाया हुआ है दार्जिलिंग में। अभी हम लोग यहाँ पे जा रहा है छिरिंग रेस्टोरेंट कॉफी हाउस में जाएंगे ठीक है। करना पड़ेगा ठीक है। हम छिरिंग रेस्टोरेंट कॉफी हाउस में आए सो अभी गरम गरम कॉफी पिएगा 30 rupees पर कप। सो उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे ठंडे ठंडे मौसम में ठंडे ठंडे गरम गरम कॉफी पी के ल हुन्छ ल एकछिनमा भेट्छु तपाईँहरूलाई कॉफी का चुस्की लेके चलते हैं ना। अब जाके रिलैक्स हुआ अब जाके शांत मिला एक चुस्की कॉफी का। पहिला बचपनमा चाहिँ हामीले यस्तो गर्थ्यौँ सानोमा क्या बचपन मेसो कता था म हल्का चिया पिँदा था बिस्कुट खाँदा था टू सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स बढ़िया है ना। चलो आराम से हम लोग बैठ के कॉफी बिस्किट भी खा लिया ठंडे ठंडे मौसम में। मैं ठंडे ठंडे मौसम है ना इसीलिए बोल रहा हूँ के ऊपर फॉगी फॉगी हो गया ठंडा ठंडा मौसम हो गया ठीक है। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं अच्छे से आर्ट आर्ट गया है अलीता तू कर्सिंग डायरी तू क्या कहते उसको। आज हमारा सफर क्या क्या हुआ अलीता गए थे अलीता टू अलीता तो बुक था उसके बाद वहाँ कर्सिंग डायरी से आया वहाँ पे बुक था तो हम लोग का लास्ट में हम लोग घर कैसे जाएंगे इतना जाम है हाँ रास्ता ही नहीं है। देखो चिल्ला चिल्ली शुरू हो गया है घूमते। आज पहुँचा हम लोग हनुमान डाँडा हनुमान जी बजरंग बली को डाँडा में आईपुगे खरसिङ हाई एज यू नो तब ठाई हाई। सो एक इसो हावा खाने हो तो पच्छी जाने हो क्या बोलते हो पब्लिक शान्त छ है तपाईँहरूलाई पनि यसो है टाइम निकालेर कोही बेला आउनुहोस् है यो जग्गा एकदमै शान्त छ मनै हल्का हुन्छ है। तर यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरू है एकदमै प्लास्टिक बोतल प्लास्टिकहरू चाहिँ नफ्याँकिदिने सेफ ग्रिन सेफ लाइफ क्लिन दार्जिलिङ है। सो आउनुहोस् एक रमणीय दृश्यको मजा लिनुहोस् है। चिन्ह भेट्नेछु है तपाईँ।